श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब दस्यु भक्ति का बारे में बोला तब महाप्रभु कहा यह होय किछु आज्ञार, ये ठीक है लेकिन इससे कुछ आगे बताओ। प्रमाण क्या दिया? न भवन्तमेवानु चिरं निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथंतर कदाह वैगंतिक नित्य किंकर प्रहर सहिष्यामि सनाथ जीवितम। मैं कब सनाथ होंगे? सनाथ सनाथ मतलब जिनका नाथ है वह सनाथ नाथ युक्त। वो होकर कब मैं जिंदा रहूंगा ऐसा प्रार्थना किया। ये किसने प्रार्थना किया? प्रार्थना किया जामुनाचार्य ने। उस रोज जामुनाचार्य के बारे में कुछ बताया था हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री बताया था? यही जमुनाचार्य विद्वज्जन कोलाहल को विचार से परास्त किया था और विद्वज्जन कोलाहल था चुलराज का गुरु। ऐसा नियम बनाया था विद्यावत्ता ने जो उनसे परास्त हो जाए उनको सालियाना कौर देने पड़ेगा। जमुनाचार्य जिनका पास पढ़ते थे जिनका नाम था भाष्याचार्य उनसे भी कौर वसूल करते थे लेकिन दैव से इनको कौर बाकी पड़ गया। इसलिए भाष्याचार्य एक कौर को मिटाने के लिए और छात्रों को खर्चा के लिए गांव में गया लोगों से मांगने के लिए। उस वक़्त विद्वज्जन कोलाहल का लोग आ गया, आकर के कहने लगा वो कहाँ है? ऐसा मर्यादा नहीं देकर ही बात बोला। तब जमुनाचार्य को सहन हुआ नहीं। उनका क्या विचार है? दोबारा विचार करेंगे। कौर क्यों नहीं दिया? मैं दोबारा नहीं आऊंगा, बताना उनको वहां जाके पहुंच के आए। तब जमुनाचार्य जो बोला 12 साल का लड़का गीदड़ का साथ विचार करने के लिए सिंहों का जरूरत नहीं होता, क्या तुम विचार करोगे? प्रयोजन हो तो करेंगे, क्या जाओगे वहां? मर्यादा का साथ ले जाए तो जाएंगे, नहीं तो यहां आ जाए यहां करेंगे। ये जाकर राजगुरु को
और ये अपना गुरु, मतलब राजगुरु जो उनका गुरु, उनका राजा को भी बताया। एक 12 साल का लड़का इतना घमंडी ऐसा बात बोला। 7 ही 7 राजा आज्ञा दिया, युलराज जाओ पालकी भेजो, 7 में 100 सिपाही भेजो अस्त्रधारी, अगर ना आए जबरदस्ती उठा के लाना। ऐसा बात बोल के राही हो जाएगा। जब लेने के लिए आया तब भस्ताचार्य लौट के आए थे, उन्होंने जामुनाचार्य को बोला, बेटा जाना नहीं, ये तुम्हें जान से भी खत्म कर सकता है। उन्होंने बोला आप आशीर्वाद दीजिए, मैं उनको जीवा स्तम्भन कर देंगी, बंद कर देंगे, दोबारा बात करेंगे। तो जाओ तुम्हारा जय हो, बोल के आशीर्वाद दिया गुरु, और खोला पालकी में वो जाने लगा। रास्ता में माँ ये पड़ गया, जे एक बच्चा जा रहा है विद्युत जन कोलाहल के साथ विचार करने के लिए, शास्त्र विचार करने के लिए। जो विद्वान देखते हैं वही उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा जय हो। जैसे वामन देव बोली का दर्प चूर्ण किया था, ऐसा करो। तब वो जब वहाँ जाके पहुँचा, तब 2 मंजिल से राजा रानी दोनों ही देखा। क्या देखा? एक छोटा से बच्चा आ रहा है। तब राजा मजाक से कहा, अयम आलबंदरो, इसका मतलब ये विचार करेगा? तो रानी उत्तर दिया, आलबंदरो, वही विचार करेगा। तब उन्होंने क्या बोला, चूहा आया बिल्ली का साथ लड़ने के लिए। तब उन्होंने कहा, कौन कह सकता है ये आग का चिंगारा ना हो जो रुई का पर्वत को भस्म कर सकता है? तब राजा थोड़ा गुस्सा से ही बोला, रानी खूबसूरत लड़का देख के तुम्हारा वात्सल्य भाव उदित हुआ, इसलिए उनका पक्ष लेकर बड़ा बड़ा बाता करते हो, शर्तें से कर सकते? जरूर, क्या शर्त? अगर ये लड़का जॉय ना कर सके, मैं तुम्हारा जो नौकरी है जिंदगी भर उनका सेवा करूंगी, और जब वो जॉय करे तुमने क्या शर्त रखते हो? बोला मैं अपना राजत्व आधा दे देंगे। अभी विचार होगा, अनाउंस कर दिया, दरबार हॉल खचाखच भर गया, सभी देखने के लिए आया। इनका नाम विद्वज्जन कोलाहल इसीलिए हुआ था, विद्वज्जन उनसे डरता था, और उनका साथ विचार करेगा एक 12 साल का लड़का, कैसा लड़का है? और साहस वहाँ से आया विचार करने के लिए, सब देखने के लिए आ गया। सभा में उन्होंने सवाल किया, कौन सवाल किया? विद्वत जन कोलाहल, व्याकरण का सूत्र और अमर कोश का। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। कौन उत्तर दिया नहीं? जमुनाचार्य। किस कारण उत्तर दिया नहीं? जब मैंने समझा था राजा का दरबार में एक आध दो विद्वान रहेंगे, तो मैंने देखता हूं यहां कोई विद्वान नहीं है। पहले तो सारे सभा को विद्वानहीन बता दिया, उसका बाद बोला क्या उम्र से विद्वत्ता होता है? हमारा उम्र कम है, इसीलिए इन्होंने मुझको व्याकरण को सवाल किया, मैं परीक्षा देने के लिए आया, यहाँ विचार करने के लिए आया,
तब तो उनका बड़ा गुस्सा हुआ, किसका, विद्वज्जन कोलाहल का, क्योंकि उनका पैर के नीचे से धरती चला गया। बड़ा गुस्सा से ही बोला, तू सवाल कर। बहुत से सज्जन इससे दुखी हुआ, जे एक व्यक्ति विचार करने के लिए आया, उनके साथ मर्यादा का सत्य तो बात होगा, तू मुंह बात होता है। तब लोग दो हिस्से में बांट लिया, ये कौन सा ये है। तब उन्होंने हाथ जोड़ की बड़ा विनम्रता के साथ समझाया, आप लोग स्थिर हुई, विचार दोष किसी से होता है, सवाल करना उत्तर देना, जो जरूरत पड़े करेंगे तभी तो विचार। जब मुझे सवाल करने के लिए आदेश किया मैं करूंगा, इन्होंने उनका मर्यादा हानि नहीं किया बातों में। तब इन्होंने सवाल किया, मैं कहता हूं इनका माता बंधा नहीं थी, ये मेरा प्रथम सवाल, वो तीन किया था, ये भी तीन करेंगे। द्वितीय सवाल है, ये राजा धार्मिक परोपकार परोपकारी प्रजावत्सल, ये रानी सोती साध्वी सावित्री तुल्ला रमणी कुलभूषणा, इसका खंडन करें। अभी तो इनका दिमाग में आया नहीं, इसलिए आया नहीं, मैंने राजा को अधार्मिक कैसे बोलो, खंडन करते राजा का अधार्मिक बोलने पड़ेगा, रानी को असोती कैसे बताओ, और अपना मां को बंधा कैसे बोलो, जिनका मैं बच्चा हूं। इनका पास जवाब नहीं, तब उन्होंने और गुस्सा हो गया, कहती है ये लड़का है धूर्त, ये ऐसा सवाल किया मेरा जवान को बंद करने के लिए, इसलिए इनका ही उत्तर देने पड़ेगा, नहीं तो इनको फांसी में चढ़ाओ, एक सवाल करके रही हो जाएगा। तब लोग जो इनका मन ही मन समर्थन करता था जामुनाचार्य को, ये लोग खड़ा होके बोल पड़े, ये क्या बात है, प्रश्न भी नहीं कर सकता है, उत्तर भी नहीं दे सकता है, ऐसा विचार होता है। तब उन्होंने फिर हाथ जोड़ के बड़ा विनम्रता के साथ बोला, आप लोग स्थिर हो जाइए, क्या मैं पागल हूं, ऐसा सवाल मैं कर सकता हूं जिसका जवाब मेरा पास नहीं है, लेकिन उत्तर देने का पहले मैं यही जानने चाहता हूं, ये स्वीकार कर ले इसका उत्तर उनका पास नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं। तब इन्होंने बोला, आप लोग जो समझते हैं इनका पास उत्तर नहीं है, ये हाथ खड़ा करिए, आधा किया आधा नहीं किया, इनका समर्थन करने वाला हाथ उठा दिया। तब उन्होंने बोला, जो लोग समझते हैं उनका पास उत्तर है वो हाथ ऊंचा करे, कोई नहीं किया। तब इन्होंने बोला, मैं इससे यही निर्णय ले लूं, आप लोग मौन होके समर्थन किया जे इनका पास उत्तर नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मौनम सन्मति लक्षणम, मौन रहना सन्मति देना, राशिया में भी यही बात है, मुझको बोला था एक राशियान,
बोला हमारा देश भी ऐसे ही बोलता है। अभी इन्होंने पूछा मैं किसको बेसिस करके उत्तर देंगे, किसको प्रमाण माना जाएगा, ना शास्त्रों प्रमाण, ना शास्त्रों के बीच में नीति शास्त्र। तब तो उन्होंने मनुस्मृति से उत्तर दिया, जिनका एक ही संतान है ये वृंदावत, तो इसका माता को एक ही संतान है इसलिए वृंदा। राजा धार्मिक नहीं बन सकता है कलयुग में, इसलिए प्रजा लोग जो पाप करेगा इनका छठा हिस्सा राजा को पास जाता है, इसलिए राजा धार्मिक कैसे रहेगा, नहीं रह सकता। रानी 10 दिक्पाल का अंश से राजा बनता है, उनका पत्नी कैसे सावित्री तुल्य बनेगा। सब लोग हैरान रह गया सुनकर, और मनुस्मृति से बोला, अब पहले ही मान लिया स्मृति शास्त्र से उत्तर, इन्होंने रास्ता पहले ही खत्म कर दिया, नहीं तो दूसरी प्रमाण देता। तो उनको आधा राजत्व देने पड़ा, और ये लोग जो इनका समर्थन करते, इनका मतलब जमुनाचार्य को, ये लोग खड़ा होके प्रतिवाद किया, ये एक बच्चा को, इनका साथ कोई नहीं है इसीलिए इनको फांसी में चढ़ाने के लिए तैयार हुआ था, आप उनको फांसी में चढ़ाओ। अभी राजा अपना गुरु को फांसी में चढ़ा सकता है, कैसे आपद में डाल दिया। तब सब लोग, राजा क्या बुद्धिमान था, राजा बोला इनका विचार उनको ऊपर ही छोड़ देता हूं, उनको ऊपर मतलब जमुनाचार्य के ऊपर। तब जमुनाचार्य इनको माफ कर दिया, कैसे माफ किया, जे इनका कसूर नहीं है, अज्ञानम एव कृतो अपराध्यते न तो आयुष्मतो दोष, इनका दोष नहीं है, इनका अज्ञानता ही दोष है, मतलब स्वभाव में बता दिया ये अज्ञानी, अज्ञानी मतलब ये संस्कृत भाषा है ना, बड़ा मीठा भाषा, अज्ञानी मतलब ज्ञान का अभाव, मूर्ख बोला नहीं, अर्थात ये है मूर्ख, स्टूपिड, ऐसे आधा राजत्व लिया, इससे बढ़ाकर सम्राट बना। लेकिन इनका जो पितामह श्रीनाथ मुनि इससे सुखी नहीं था, ये ब्राह्मण कुल में आया, इनका नाम रखा जमुनाचार्य, जमुना का कृपा प्राप्त हिसाब से, और विषय में फंस गया, अपना प्रिय शिष्य नंबी को बुलाया, ये देख मेरा जाने को टाइम हो गया, मैं शरीर छोड़ दूंगा, तुम उनको उद्धार करके लाना, विषय से छुटकारा करना, बोल के शरीर छोड़ दिया। इन्होंने बड़ा चिंताग्रस्त हुआ जो गुरुदेव का शेष आज्ञा, और बड़ा भरोसा से मेरा ऊपर आदेश किया, मैं कैसे गुरुदेव का आज्ञा पालन करो। वो गया उनको मिलने के लिए, मिलने के देता नहीं, बड़ा आदमी को मिलना आसान बात नहीं, मुश्किल। बंगाल का चीफ मिनिस्टर जो बना, मेरा बहुत जानकारी था, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बना जाने ही नहीं देता, उनका पास हमारा कार्ड ही नहीं पहुंचता, वो सब जो है एलसोसियन डॉग पारा देते हैं। एक
सन्यासी को देने के समय है इनका, वो जिनका समझेगा उसको लगाएगा। बड़ा फेल हो गया 3 दिन। तो मैंने किसी से बात कर रहा था, बोला एक काम कीजिए, ये सुबह सुबह उठ के PWD मिनिस्टर को वहाँ जाते हैं, आप वहाँ जाके बैठ के रहो, वो जब जाएगा वहाँ बात कर लेना अगर कुछ करना है आपको। मैं ऐसा ही किया। उन्होंने बड़ा जल्दी उठते थे, स्नान आदि करके अपना तैयार होके वो PWD मिनिस्टर का पास जाते, अरे खोगन अभी उठा नहीं, क्या काम करोगे? वो जल्दी से उठा और मुझको देखा, बोला आप यहाँ? मैं क्या करो, आपने एल्सोसियन डॉग पाल के रखा है, वो घुसने नहीं देता, इसीलिए यहाँ आया। हंस पड़े यार, कुछ नहीं बोले। तो इशारा किया कुछ है, मैंने कलम और वो एप्लीकेशन जो ले गया था वो दे दिया, देवाल का ऊपर ही ऐसे ही कर दिया, इमीडिएट इशू। उसी को लेकर मैंने चले गया डायरेक्टर के पास। एक है सीमेंट का और एक होता है एसेंशियल कमोडिटीज, जो एसेंशियल कमोडिटीज वाला उनका खूब शौक था खेल देखने का। उस वक्त खेल देखता था उसमें रेडियो में, टीवी निकला नहीं था, वो देख रहा है। मैं गया तो डिस्टर्ब समझा, तो मैंने बोला आपको पास मैं आया नहीं, ये कुर्सी का पास आया, अगर खेल देखने में रुचि है कुर्सी छोड़ लो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, और ये भी करेंगे खेल देखेंगे ये तो एक साथ में नहीं चल सकता। बड़ा गुस्सा में आया, कोई उत्तर नहीं दिया। वो बोला मुझको वेरिफिकेशन करने पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर का सिग्नेचर है कि फौज है। मैंने एक सवार करो, ये साइन करके दे दो, मिल गया मैं चला जाता हूँ। चला आया, मैं पहुंचा नहीं, मैं जाऊँगा ट्रम में 3 पैसा में। उससे पहले ही फोन आ गया, जैसा ऐसे अब 10 फुटा वाला नहीं है, 9 फुटा वाला एक वाला मोट वाला बोला, वो महाराज आया नहीं, आने का बाद बोलेगा। फिर मैंने बोला, उन्होंने उस वक्त वो डांटा, मैंने इमीडिएट इशू करने के लिए बोला, अभी नहीं किया, ऐसी बात होता है। यमुनाचार्य को मिलने नहीं दिया, गया कौन? नंबी मिलने नहीं दिया। तो इन्होंने कौशल किया, क्या कौशल किया, इनका जो रसोई बनाता था उनमें जो हेड जो सब मेनू बताता था उनसे मिला, इनको मिलने के तो कोई बात नहीं, मतलब महाराज को क्या खिलाते हैं सब बताया। बोला एक शाख है उसका नाम है तुक बेड़ई, तुक बेड़ई, ये शाख का नाम सुना? बोले हाँ सुना। इसका बारे में जानकारी है कुछ? बोले हैं जानकारी है। क्या जानकारी है? ये सुनिद्रा कारक, अच्छा नींद लाएगा, कंठ की आवाज मधुर करेगा, स्मृति को वृद्धि करेगा, टट्टी साफ होगा। तो इतना गुणकारी जानकर महाराज को खिलाते नहीं, कैसे तुम खिलाने वाला हो? हुजूर कहाँ मिलेगा, जानकारी तो है लेकिन वस्तु मिलता नहीं, कैसे सेवा करो? अगर मैं ला के दो खिलाओगे? जरूर।
लाके देने लगा, 2 महीना तो खिलाया, उसका बाद 3 दिन नागा कर दिया। जब नागा कर दिया तब उन्होंने पूछा, बुलाया हेड कुक को कि तुमने साग को बंद कर दिया क्यों? हुजूर मिलता नहीं, ये 2 महीना तो कहाँ से मिल रहा था? बोले एक महात्मा देके जाते थे, उनका कोई सेवा किया, लोग कुछ लेते नहीं, अगर दोबारा आ जाए उनको मेरा प्रणाम कहना, मैं उनको दर्शन प्रार्थी। फिर आ गया और साग लेके आया, भोजन करने के बाद उसको बुलाया, महात्मा आया, बोला हमारे पास लाओ, हमारे पास लाओ ऐसा आदेश नहीं किया, मेरा प्रणाम कहना। जाके बोला, महाराज आपको प्रणाम निवेदन किया। उन्होंने किया प्रणाम निवेदन, क्या मतलब? दर्शन करने चाहते हैं। तब जब गया वो नीचे में रहा खड़ा, उनका ऊंची आसन में बैठ आया। और प्रणाम करके तो उन्होंने बोला, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूं? उन्होंने उत्तर दिया, हमारा गुरुपाद पद्म जो आपको पितामह, पितामह समझते तो, उन्होंने मुझे आज्ञा किया, उन्होंने जो अनमोल प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए छोड़ गया वो तुमको देने के लिए आज्ञा किया, इसी को स्वीकार करना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ सेवा। अभी इनका तिब्बत हमला करना था, इस वक्त धन मिल जाए बहुत अच्छा है, तो क्या मैं सिपाही भेज दूं धन लेने के लिए? बोले ऐसा धन वो मिलेगा नहीं, आपको ही जाने पड़ेगा, पवित्र नदी का जल और विशेष वृक्षों का पत्ता से उनका संतुष्ट करके धन लेने पड़ेगा। किनको संतुष्ट करने पड़ेगा ना? वहाँ पहरादार जो है ये नाग सांप है, और धन है 7 प्राचीर का अंदर में, पत्थर का प्राचीर, शिला प्राचीर से अंदर में। अगर लेना है हमारे साथ चलो, लेकिन पहले संकल्प ले लो तुम ये धन लोगे। संकल्प किया, साथ में ले जा रहा है, आज रास्ता में वैराग्य सूचक श्लोक बोलने लगा, बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच। तो उन्होंने बोला मैं धन नहीं लूंगा। बोले तुमने हमारे पास वचनबद्ध है धन लेने के लिए बोला, आप नहीं लोगे कैसे होगा? फिर बोला निदेह मध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन न होते रितम पुमान भवाप्रदि नौतरित सो आत्मा। यही जो मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके गुरु पदाश्रय कर ये भवसागर पार होने के लिए जो कोशिश नहीं करेगा वो है आत्मघाती, खुद कुशी करने वाले। तो उन्होंने बोला मैं धन नहीं लूंगा, प्रतिज्ञा लंघन से मेरा नरक होने जाओ। बोले खबरदार, तुमने मेरा पास वचन बंद धन लेने के लिए, तुमको लेने ही पड़ेगा, लेने के बाद तुम बांट देना
रखने क्या जरूरत है, विषय नहीं चाहते हो बांट देना उसको। मैं तो बोला नहीं तुमको विषय भोग करने पड़ेगा, लेने के लिए बोला। गया कावेरी में स्नान कराया, तुलसी विशेष वृक्ष तुलसी, तुलसी पत्ता से जाकर के उनको निवेदन करा। उसका बाद इन्होंने प्रार्थना किया था रंगनाथ से, जे प्रभु आप इस व्यक्ति को अपना ऐश्वर्य दिखाना, क्योंकि ये धन का लालसी, धन बढ़ाने के लिए तिब्बत हमला करके जय करने के लिए ये रुचि रखता है। तब उन्होंने क्या देखा, ये मंदिर बना है रतन से, ईटा से नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी को सेवा करने के लिए गया था अकबर बादशाह, तो उन्होंने बोला जो सीढ़ी से मैं उठता हूँ द्वादश आदित्य टीला में जमुना से, उनका एक कोना टूट गया, इसको मरम्मत कर दो। मैं दिल्लीश्वर एक सीढ़ी का कोना मरम्मत करने के लिए मुझे आदेश किया, जब जाके देखा ये रतौन से बना है, मेरा सारा राजत्व लुटाने से भी ये मरम्मत होगा नहीं। आके हाथ जोड़ दिया, मेरा बस की बात नहीं, यहां देखा दिया भगवान ऐश्वर्य। तो आप क्या कहते हैं कि जिनका घर आलोय रत्न से बना है, रत्नालयम गृहं यस्य गृहिणी च पद्मा, और उनका गृहिणी कौन है ना पद्मा, पद्मा कौन है लक्ष्मी, धन का अधिष्ठात्री देवी, इनसे बढ़कर क्या धन है, कोई धन तो है नहीं। आप कृपा करके ये धन इनको सेवा मुझे दीजिए, और कोई धन मैं ही नहीं लूंगा, हमारा नरक होने दाओ जो कुछ हो। उनको चरण को पकड़ लिया, अरे यही धन देने के लिए ही तो तुमको लाया, ये सात पाषाण का प्राचीन, सात प्राचीन है मंदिर। उन्होंने वहां से हार किया नहीं, बाद में उनका पश्चाताप होने लगा कि मैं अपना जीवन को बिता दिया फिजूल जगत का तुच्छ वस्तु के लिए। उसका बाद वही जो बोला था रानी, राजा बोला अयम आलबंदरो, मैंने ये विचार करेगा, रानी बोला हाँ आलबंदरो, इसलिए इनका स्तोत्र का नाम हुआ आलबंदर स्तोत्र। वही आलबंदर स्तोत्र का ये प्रमाण दिया जे मैं कब ये सुनात होंगे, क्योंकि अब तक तो मैं अनाथ, जब नाथ युक्त होंगे तो प्रशांत हो जाऊंगा। कब मैं अपना आपको आपका नित्य दास समझकर आनंदित होंगे, ये बोला ये दिया। तब महाप्रभु बोला ये हो किछु आ गया, और थोड़ा बहुत आगे बोलो।